बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज हमारे टॉपिक्स बहुत अहम टॉपिक्स हैं। पाकिस्तान स्टॉक चेंज बाज़ार डूब गया और आखिर कब तक अपना पैसा बर्बाद करोगे स्टॉक मार्केट में। फिलहाल दोस्तों मार्केट में जो रुझान है, आज भी 400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट, 1% का डिक्लाइन, 41,000 पॉइंट्स की सतह तोड़ दी हंड इंडेक्स ने। बहुत बड़ी यहाँ पर छोटी छोटी ऐसी स्पोर्ट्स थी जो कि पिछले काफ़ी अरसे से काम करती हुई नज़र आई, लेकिन मार्केट ने उसको तोड़ दिया। बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जो जिनके बायस मार्केट इस तरह का बिहेव कर लिया। पिछले 1 से 2 साल के दरमियान अगर हम रिटर्न को उठाएं, स्टॉक मार्केट का रिटर्न तो नेगेटिव रिटर्न है। और उस दौरान इस वक्त अगर आप इन्फ्लेशन का रेट देखें, फरवरी का जो इन्फ्लेशन का फिगर 31.5%, डेप्रिसिएशन रुपए की वो भी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ डेप्रिसिएट हो रहा है पाकिस्तान का रुपया। इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर हैं और मज़ीद अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स मज़ीद अभी बढ़ेंगे, कोई 23 से 24% की प्रोडक्शन है बहुत सारे रिसर्च हाउसेस की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मान ही नहीं रहा पाकिस्तान को अगली किस्त कब मिलेगी और पाकिस्तान के साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कब होगा, किसी को अभी पता नहीं है। इन्फ्लेशन और इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। तो ऐसे में दो चीज़ें बुनियादी हैं स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें, काम करें, इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें। नंबर वन, मार्केट का एक्टिव होना इंतहाई ज़रूरी है और अगर मार्केट एक्टिव है तो लिक्विड है। लिक्विड मीन के बहुत आसानी से आप बेच सकते हैं, बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। तो ये दो वो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग के हवाले से इंतहाई ज़रूरी हैं, मार्केट का एक्टिव होना और दूसरे नंबर पर लिक्विड होना। मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त बिल्कुल लिक्विड नहीं है, इलिक्विड है और उसकी जो रेंज है वो बहुत टाइट रेंज है। अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर्स में बहुत टाइट रेंज है और इस दौरान यहाँ पर इन्वेस्ट करना, अगर हम इन्फ्लेशन के रेट को देखें, रुपए की डिवेल्यूएशन को देखें जो कि 31.5% है और एनुअल इन्फ्लेशन जो कि 2023 का तोको किया जा रहा है वो 35% से ज़्यादा का तोको किया जा रहा है और उससे अगले साल भी इन्फ्लेशन हाई रहेगा और उसके ऊपर अभी आप देख रहे हैं कि US और यूरोप में बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं और ये कोलैप्स करना एक बहुत बड़ा खौफ फैला दिया है मार्केट्स में अक्रॉस द ग्लोब कि अब एक के साथ बाजारी का जो माहौल है वो बन गया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको हवा दे रहे हैं, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2023 का ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस होगा ये तारीख की अपनी मिसाल होगा, सबसे बड़ा होगा, दुनिया ने इससे पहले इतना कसाद बाजारी का बिहेवियर नहीं देखा होगा। इंटरेस्ट रेट्स जो इससे पहले तोकवात थी कमर्शियल सेंट्रल बैंक्स थी अक्रॉस द बोर्ड, अब वो उससे हटकर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे। क्रूड प्राइसेस ऑलरेडी क्रैश कर चुका है जबकि मेटल्स में हमने गोल्ड में ज़बरदस्त रैली देखी, तो ये वो उल्ट है गोल्ड तमाम कमोडिटीज़ का, तमाम एसेट क्लासेस का कि उसमें रैली देखने को मिली है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो कि अपनी तारीख की एक इलिक्विड सिचुएशन में ट्रेड हो रही है वो आखिर कब तक होगी और आप अपना सरमाया कब तक यहाँ पर लगाए रखेंगे, क्या अल्टरनेटिव है सरमाए का लगाए रखना, और अगर वो रिटर्न वो पैदा ना करे जो कि इन्फ्लेशन को बीट करे, अगर मिसाल के तौर पर 31.5% या 31.5% से कम कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर रिटर्न पैदा करता है एक साल के अंदर, तो वो बेसिकली उसने कुछ नहीं गेन किया, कुछ भी डीवैल्यू हुआ रुपया और उसी सतह पे है अगर 31.5% है जो कि एक साल पहले था। अगर वो 50% या 60% गेन करता है तो उसको हम डिटेक्ट करेंगे इन्फ्लेशन से, फिर लगभग 25 से 30% रिटर्न आपने ज़रूर कमाया है। लेकिन क्या ये 50 से 60% का रिटर्न पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त जहाँ पर पाकिस्तान के सियासी हालात तारीख की एक बहुत
कम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल फेस कर रहे हैं, ग्लोबल इसका फिनमिना है, पैदा कर सकता है, डेफिनेटली बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। अल्टरनेटिव होना चाहिए ताकि आपका जो रुपया है वो आपको रिटर्न पैदा करके दे, इन्फ्लेशन को बीट करे, रुपए की डिवेल्यूशन जो हो रही है उसको बीट करे, तो उसके बारे में आपको अल्टरनेटिव मार्केट का, अल्टरनेटिव बाज़ार का, अल्टरनेटिव एसेट का खोज लगाना है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ पर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इसका बहुत ज़बरदस्त अल्टरनेटिव है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का, लगभग 15 ऐसे फॉरेक्स पेयर्स हैं जिनमें वहाँ पे ट्रेड हो रहा है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कुछ फ्यूचर इंडेक्सेस हैं जापान का और अमेरिका का, जहाँ पर आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और उनका इफ़ेक्ट पाकिस्तान के लोकल जो सेंटीमेंट्स हैं, हमारे जो लोकल हालात हैं, IMF का, इन्फ्लेशन का, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, कोई तल्लक नहीं है उसका, तो वो बेसिकली एक वक्त अगर हम देखें तो मोस्ट लिक्विड और एक्टिव मार्केट है। और ये बेहतरीन ऑप्शन है कि वहाँ पर अगर आप यहाँ बैठे रहेंगे तो अपने जो वैल्यू है डीवैल्यू होगा, रुपया रिटर्न नहीं पैदा करेगा, इन्फ्लेशन खा जाएगी। और उससे बेहतर मुतबादल है कि दूसरी एवेन्यू की जानब जाया जाए और ताकि रुपया की जो वैल्यू है वो प्रिजर्व रहे, अपनी वैल्यू को बरकरार रखे और इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न पैदा करे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, मज़ीद तजियात के साथ देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। खुदा हाफिज़।